सो लेट अस स्टार्ट. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम। मैम सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर क्वान्टिटी सर्वे एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन. ओके नाउ हियर वी विल लर्न डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, वॉट आर द पर्पोजेस ऑफ द एस्टिमेट, वॉट इज डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट, ओके वाई इज इट रिक्वायर्ड, एंड फॉर डूइंग एस्टिमेट, बिफोर डूइंग एस्टिमेट वी नीड सम डाटा. ओके वॉट आर दोज डाटा नेसेसरी फॉर डूइंग द एस्टिमेट. बिफोर हैंड वी शुड हैव सम data along with us so that it will be easy for us to calculate or do estimate. Okay, then at the last we will describe what are the different types of the estimates. Okay, can you tell me why, what is the need of the studying this subject or especially this estimate topic? What is the necessity? Why is it necessary for us, for being a civil engineer it is necessary for us to have an idea or to study this subject? बोलो, किसी को कुछ आइडिया है क्यों पढ़ना चाहिए हमको? मैम एक रफ आइडिया देने के लिए कितना मतलब खर्चा होगा? खर्चा होगा, नहीं खर्चा होगा, नहीं होगा। ठीक है, खर्चा होगा, सिर्फ खर्चा का आइडिया लगेगा हमको इससे? मैम और कितना मटेरियल लगेगा ब्रिक वर्क करने के लिए? कितना व्हाट आर द डिफरेंट, जैसे है कि कोई काम यू आर स्टार्टिंग टू डू अ प्रोजेक्ट. ओके सो बिफोर हैंड तुम्हारा कुछ सवाल होना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरे पास उतना अवेलेबल अमाउंट है सो दैट आई कैन कंप्लीट द वर्क, राइट? मतलब उतना पैसा है मेरे पास, उतना फंडिंग है, ठीक है. एक होना चाहिए क्या, इज देयर इनफ रिसोर्स, ठीक है. मतलब जिस जगह पे तुम लोग कर रहे हो, जहाँ पे जो मटेरियल लगेगा तुम्हारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? अगर नहीं है, और एक क्या है कि मेरे पास क्या उतना टाइम होगा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. सपोज एस्टिमेट करने के बाद तुम्हारा लगा कि इतना ईयर लग रहा है, 3 इयर्स 4 इयर्स लग रहा है, तो क्या तुम्हारे पास उतना अवेलेबल टाइम है कि नहीं, ठीक है. और जो मैन पावर लगेगा वो मेरे पास है कि नहीं. ओके इफ दिस इज द क्वेश्चंस यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर डूइंग अ प्रोजेक्ट, राइट? कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये सब तुमको सोचना चाहिए कि ये सब है कि नहीं है. ओके इफ द आंसर इज यस, हाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो ये जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एस्टिमेट इतना कुछ निकाल रहे हैं, तो इट इज़ यूजलेस, ठीक है. स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज यूजलेस, क्योंकि तुमको सबसे सब कुछ पहले से पता है, कितना मटेरियल लगेगा, कितना तुम्हारा मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, राइट? एवरीथिंग इज नोन टू यू ऑलरेडी, तो फिर ये पढ़ने का, सब्जेक्ट पढ़ने का है ही नहीं जरूरत. अगर तुम्हारा आंसर नहीं है कि नहीं मेरे पास उतना टाइम है कि नहीं, आई डोंट नो, राइट? पैसा है कि नहीं, वो जितना पैसा है विल इट बी फिजिबल फॉर मी कि नहीं, कि वो प्रोजेक्ट लेने से हम उतना पैसा में कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, राइट? जो मटेरियल है वो रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं. इफ़ वी डोंट हैव एनी आइडिया और आंसर अगर हम लोग का नो है, देन हम लोग को वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. ओके देन व्हाट आर द फैक्टर्स which will necessitate the study of this subject. Okay, ये भी हमको देखना है कि क्या क्या हमको चाहिए ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, या हम बोल सकते कि एस्टिमेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है. इसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं. सो फैक्टर्स अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन कैन क्लियरली थिंक ऑफ, क्या क्या फैक्टर्स तुमको लगेगा बोलो, एस्टिमेट करने के लिए तुमको क्या क्या फैक्टर्स का जरूरत पड़ेगा? What are the factors? तुम मतलब पहले तुमको बोल दिया है कि तुमको एस्टिमेट करना है, तो क्या क्या फैक्टर्स तुमको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर एस्टिमेशन? मैम पहले तो एरिया लगेगा, कितना एरिया में वर्क हो रहा है. एरिया पहले इज अ पैसा, फंडिंग, ठीक है, कि कहाँ से आ सकता है ये फंडिंग, ठीक है, कितना मतलब फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तुम्हारा जो बोले ना कॉस्ट ही तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली कॉस्ट एस्टिमेट करने से क्या है कि तुम्हारे सपोज एस्टिमेट करके इतना आ रहा है, अब तुमको उतना पैसा है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, फंडिंग का जरूरत है,
फिर दूसरा क्या होना चाहिए? मैम फंडिंग के लिए तक रफ आइडिया चाहिए ना, उसके लिए थोड़ा पहले कितना एरिया है उसमें कितना वर्क होगा हाँ वो तो पहले तो पहले वो फुलफिल होगा, करना दैट इज, पड़ेगा। हाँ वो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, वो तुम्हारा दूसरा में आ जाएगा, जैसे स्पेसिफिकेशंस इन सब में आ जाएगा, ओके okay. लेकिन मेन ऐसा मतलब स्टार्टिंग से मतलब एकदम अचानक से क्या आएगा दिमाग में कि पहले पैसा होना चाहिए हम लोग के पास, इनफ पैसा, ठीक है. फिर दूसरा है कि लेबर्स, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, उन लोग का पैसा कितना लगेगा, ये सब भी हमको चाहिए, ठीक है. और दूसरा क्या है कि गुड मटेरियल होना चाहिए, होना जरूरी है, राइट. सो दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है. अब इसके अलावा भी और दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, दैट इज योर इकोनॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन. तुम जो बोल रहे हो ना कि प्लानिंग वैनिंग ये सब में आएगा, ठीक है, इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी मतलब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिक है कि नहीं है. इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि जितना खर्चा करोगे और उसको इन फ्यूचर अगर सपोज रियल एस्टेट बिल्डिंग बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ठीक है, बिंग ओनर तुम खर्चा कर रहे हो, अब करने के बाद क्या हो रहा है कि उसको प्रॉफिट तुमको कैसे आएगा, थ्रू उसको बिक्री करोगे, सेल करोगे, राइट. तो उससे जो पैसा आ रहा है दैट विल बी योर प्रॉफिट ओनली. तो जितना तुम खर्चा कर रहे हो और प्रॉफिट जितना मिल रहा है वो पहले देखना है हमको. सो इकोनॉमी, ठीक है, और इकोनॉमी करने के लिए भी तुमको कंस्ट्रक्शन वर्क एक इकोनॉमिक वे में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं होना चाहिए, राइट. फॉर द प्रोजेक्ट टू बी इकोनॉमिक हमको क्या चाहिए, वी नीड प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है. ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट, उसमें यही सब आता है कि कैसे हम कम से कम टाइम में अपना प्रोजेक्ट का खत्म करेंगे. अगर कम से कम में टाइम में तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म होगा, देखो जितना देरी जितना लेट से खत्म होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो डेली वेजेस तुमको देना पड़ रहा है वर्कर्स को, राइट. तो कॉस्ट वहाँ पे बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है. अब जितना तुम ये जितना लेंदी तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट वर्क चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उसमें दूसरा कॉस्ट भी ऐड होता जाएगा, ठीक है, ओवरहेड चार्जेस ये सब भी ऐड होता जाएगा. सो क्या क्या हो, अल्टीमेटली तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इट विल बी वेरी हाई. सो प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है, ठीक है. और दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये है बिफोर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, केयरफुल सुपरविजन भी करना चाहिए फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेन करने के लिए, कि इसका मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि ये जो रॉड तुम दिए हो कितना नंबर ऑफ रॉड्स दिए, उतना ही दिए हो कि नहीं दिए हो, जैसे हम लोगों ने प्लान में बनाया है उतना ही है कि नहीं, स्टैंडर्ड हिसाब से तो आया है ना, वो सब आईएस स्टैंडर्ड कोड से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ रॉड्स देना चाहिए, राइट. तो जाके सुपरवाइज साइट में भी तुमको सुपरवाइज करना चाहिए केयरफुली, सो दैट ये कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड मेंटेन हो. और दूसरा है प्रॉपर स्पेसिफिकेशन फॉलो करना है. प्रॉपर स्पेसिफिकेशन इन द मीन्स कि तुम लोग का मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं, स्पेसिफिकेशंस वो मेंटेन करना है. प्लस और क्या करना है, जो काम कर रहे हो जैसे कंक्रीट वर्क, स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि कंक्रीट वर्क जो करते हैं उसका स्टैंडर्डाइज वे में कैसे करना है, ठीक है. हाउ वी हैव टू प्लेस द कंक्रीट, हाउ वी हैव टू मिक्स द कंक्रीट, हाउ इन विच प्रोपोर्शन वी हैव टू मिक्स द कंक्रीट कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको कैसे मिक्स करना है, कैसे ले करना है, ऑल दिस कम्स अंडर योर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन. तो ये सब अगर होगा तो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड मेंटेन होगा और ये इकोनॉमिक भी होगा इफ वी डू द प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है. सो हम लोग का बीइंग अ सिविल इंजीनियर यही पहले थॉट आता है, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन. इज इट क्लियर, ये दो फैक्टर्स क्लियर है ना, सॉरी ये पांच फैक्टर्स. अब तुम जो बोल रहे हो कि क्या क्या लगेगा वो दूसरा है, ठीक है, प्लान वैन ये सब है वो दूसरा वाला टॉपिक में आएगा. क्या होगा कि हमको एस्टिमेट करने से पहले क्या क्या डाटा वी नीड टू हैव, ओके, हमारे पास पहले से रहना चाहिए डाटा एस्टिमेट करने से पहले. ओके, तुम जो ड्राइंग्स ये सब बोल रहे हो वो आएगा, देखो कहाँ पे आ रहा है, से आछो की तुमरा. यस मैम, अच्छी. सो डेफिनेशन, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग हम लोग बोल ही चुके हैं, ठीक है. एस्टिमेट है तुम्हारा क्या, इट इज द प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर ऑफ व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग द वेरियस, पहले क्या करना है क्वांटिटी, देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है. पहले क्वांटिटी निकालो, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, ओके.
इसका डेफिनेशन यही है, कैलकुलेशन ऑफ योर एक्सपेक्टेड और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. ओके, इट हेल्प्स अस टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट, इट्स नॉट द एग्जैक्ट कॉस्ट, प्रोबेबल, ठीक है, ऑफ द वर्क बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने के पहले हमको कॉस्ट का एस्टिमेशन पता चल जाएगा कि इतना खर्चा है, लगभग इतना खर्चा, लगभग बोल रहे इतना खर्चा हो सकता है. ओके, एंड अगर ये अच्छे से बनाया जाए, इफ इट इज प्रिपेयर्ड केयरफुली एंड करेक्टली, देन ये जो बोले थे ना हम, एस्टिमेट तुम्हारा 100 रुपीज का है और एक्चुअल खर्चा तुम्हारा जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उससे 90 रुपये में भी हो सकता है, ठीक है, और 110 रुपीज में भी हो सकता है, और एग्जैक्ट 100 में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा एस्टिमेशन था 100. दोनों के बीच का डिफरेंस कब कम होगा? व्हेन यू विल डू इट एस्टिमेशन, तुम काम करोगे जब केयरफुली एंड करेक्टली, ठीक है, तो तब तुम्हारा ये दोनों केस में कॉस्ट और एस्टिमेशन मे बी इक्वल. ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए, बोलो इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन. इम्पोर्टेंस या पर्पोज को हम एक साथ में लिख सकते हैं. ओके, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द पर्पोज और या इम्पोर्टेंस, दोनों एक ही हो सकता है. ओके, योर आंसर विल बी सेम. तो एस्टिमेशन व्हाई इट इज नेसेसरी, बोलो तो व्हाई इट इज नेसेसरी, टू फिक्स द बजट, राइट, बजट को फिक्स करने के लिए जो प्रपोज्ड वर्क, मतलब प्रोजेक्ट होने वाला है उसका बजट कितना होगा, उसको फिक्स करने के लिए अप्रोक्सीमेट बजट, ठीक है. दूसरा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स को एस्टिमेट करने के टाइम में, फॉर कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड लेबरर्स, ठीक है. दूसरा क्या है, वर्क शेड्यूल, मतलब ये जो टाइम शेड्यूल, टाइम 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 हम बोल रहे हैं ना, वर्क शेड्यूल मतलब कौन सा काम पहले होगा, फिर उसके बाद कौन सा काम होगा, इसमें भी ये नेसेसरी है. ओके, एस्टिमेशन को जरूरी है, सो टू ड्रॉ अप द वर्क शेड्यूल. ओके, दूसरा क्या है कि टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है वो कितना देर तक चलेगा, इससे भी हमको पता चल सकता है एस्टिमेशन से भी, ठीक है, नेसेसरी है. नाउ also to helpful to check works done by the contractors. देखो, एक तुम ओनर हो, ठीक है, तुम अपना काम किसको दिए हो, कॉन्ट्रैक्टर को, तो तुम क्या पूरा पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे कि ये जितना एस्टिमेशन देगा हम उतना ही, हाँ वही सही है मान के चलेंगे हम लोग? तुमको नहीं, राइट, तुमको प्रोजेक्ट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टर से तुम काम करवा रहे हो, ठीक है, वो भी एस्टिमेशन कर रहा है, लेकिन पूरा पूरी तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तुम्हारा खुद का भी इंजीनियर रहना चाहिए जो एस्टिमेट करेगा, ठीक है. देन हम दोनों, अब वहाँ पे भी तो जरूरत है, अगर तुम्हारे पास कोई एस्टिमेशन करने का इंजीनियर ही नहीं है, कि कोई इंजीनियर ही नहीं है जिसको एस्टिमेशन आता ही नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा तुम उसमें हाँ 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 करते जाओगे, ठीक है. तो ये इसमें भी, ये चेक करने में भी हेल्पफुल होता है कि वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके, दूसरा है प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं, यस. दूसरा क्या है, प्रिपेयरिंग टेंडर्स. टेंडर्स का मतलब यही है, तुम एक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दोगे पहले, तुम पहले क्या करोगे कि तुम अपना प्रोजेक्ट को प्लानिंग वैनिंग सब कुछ अपना खुद का, वो क्या बोलते हैं, अपना जो प्लान है वो तुम लोग एक टेंडर के हिसाब से, नोटिस हिसाब से तुम दोगे, फिर तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्टर, दो कॉन्ट्रैक्टर, तीन कॉन्ट्रैक्टर, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर, दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो लोग आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, अपना अपना एस्टिमेशन लेकर, फिर तुम वहां से टैली करोगे, ठीक है, तो देखोगे कि किसका कितना कैसा एस्टिमेशन है. ओके, तो उस हिसाब से तुम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को चूज करके अपना काम स्टार्ट करवा दोगे. ओके, तो टेंडर जो होता है, टेंडर प्रोसेस में भी एस्टिमेशन जरूरी है, ठीक है, एस्टिमेशन नहीं होगा तो ये प्रोसेस वैलिड नहीं होगा. ओके, दूसरा है फॉर वैल्यूएशन. अब कंस्ट्रक्शन सब कुछ हो गया, हम बार बार बोल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या करना है, अल्टीमेटली उसको ऐसे खड़ा रखना नहीं है बिल्डिंग को, उसको सेल करना है, राइट, तो प्रॉपर्टी का दाम कितना होगा वो एस्टिमेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है. सो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो देखो, कॉस्ट बजट कैसा है, क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल्स कैसा है, लेबर्स कितना लगेगा, ठीक है, फॉर इन्वाइटिंग टेंडर्स, फॉर वैल्यूएशन, टाइम कितना लगेगा, वर्क शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा बजट के अंदर है कि नहीं सैंक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, और व्हाट आर द डिफरेंट इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड द टूल्स, ठीक है, ये सब में तुम्हारा एस्टिमेशन का काम आएगा. ओके, नाउ ये जो अभी तुम बोले हो कि हमको क्या क्या डाटा लगेगा, अच्छा ये बोलो तो एनीवन,
एस्टिमेशन तुमको दे दिया, करो बोल दिया, ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट कर दो कि एस्टिमेशन करना क्या लगेगा तुमको, नो मैम, तो क्या मैम चाहिए पहले तो तुमको? प्लान लगेगा, बिल्डिंग का यस, प्लान लगेगा। तो प्लान मतलब क्या, ड्राइंग, सिर्फ प्लान नहीं, हमको एलिवेशन, सेक्शन, सब कुछ लगेगा, ठीक है, एक लगेगा। दूसरा क्या लगेगा, और क्या लगना चाहिए, सिर्फ प्लान करने से हो जाएगा? मैं मतलब उस एरिया में मटेरियल्स का कितना रेट चल रहा होगा वो चाहिए। ठीक है, हाँ वो भी है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल का रेट, नॉट ओनली मटेरियल, लेबर्स का भी कॉस्ट, रेट, वेजेस, ये सब लगेगा, ठीक है। और वो कहाँ पे आएगा, ये आएगा हम लोग को शेड्यूल ऑफ रेट से मिलेगा, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एक एक जगह का एक एक शेड्यूल ऑफ रेट्स है, ठीक है। तो एक तुम्हारा फाइल टाइप का होगा, उसके अंदर सब शेड्यूल्स ऑफ रेट्स, मतलब किसका कितना वेजेस है, कौन सा मटेरियल का कितना दाम है, सब इसमें रहेगा, ओके। एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन अगेन ये बार बार जरूरी है, स्पेसिफिकेशन एक एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि तुम्हारा जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए दिया गया है, ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल में भी तुमको ड्राइंग चाहिए, और स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कि ईच कितना नंबर ऑफ रॉड्स है, एक बीम में कितना नंबर ऑफ रॉड्स है, ठीक है, क्लियर कवर कितना रखा है, ठीक है, तुम्हारा वो क्या बोले, स्टीरअप डबल रिंग है, सिंगल रिंग है, क्या है, वो सब स्पेसिफिकेशन जरूरी है, ठीक है, फॉर तुम्हारा एस्टिमेशन करने के टाइम में ये सब भी जरूरी रहता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस और कुछ नहीं लगेगा, और लगेगा लास्ट में कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट, ओके। एस्टिमेशन करने का भी तो बहुत सारा मेजरमेंट है, मेथड है, सो विच मेथड वी नीड टू फॉलो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके, क्लियर। अब आते यस हैं मैम। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, अब बोलो तो कुछ आइडिया है कितना टाइप का एस्टिमेट होता है, व्हाट आर द मतलब मैम टाइप, एस्टिमेट करने का कितना प्रोसेस है वो, या फिर ये अलग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट अगर पूछेगा तो ये है तुम्हारा आंसर, ओके। जैसे आता है कि प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसको हम लोग रफ एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, ओके। और दूसरा क्या है, रफ एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया, रफ, या इसको हम सिर्फ प्लिंथ एरिया एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, और इसको क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट दोनों रफ है, इट इज नॉट द एक्यूरेट, ओके। तो दूसरा क्या है, दिस इज रफ फर्स्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट, डिटेल्ड एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये नाम से कुछ बता सकते हो इस, मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कैसे एस्टिमेट होता है, कैसे एस्टिमेट करना पड़ता है इसमें, क्या एस्टिमेट करते हैं हम लोग? मैम प्रिलिमिनरी मतलब क्या बोलते हैं, काम शुरू करने से पहले जो हम करते हैं उसको वो तो प्रिलिमिनरी बोलते हैं। एस्टिमेट ही तो है, एस्टिमेट तो काम शुरू करने के पहले ही करते हैं, हर ये सब एस्टिमेट तो हम काम शुरू करने के पहले ही होता है, इसको तुम लोग रफ एस्टिमेट भी बोल सकते हो, ओके। प्रिलिमिनरी देखो नाम से पता चल रहा है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है, या रफ एस्टिमेट भी बोल सकते हो, रफ कब बोलते हो एक मैम, पता है तुम, जब वो मतलब फाइनल नहीं होता, एक मतलब चेक करने के लिए हम करते हैं। यस, ठीक है, मतलब कि तुम डिटेल में नहीं जाओगे, तुम ऊपर ऊपर से एक रफली एस्टिमेट करोगे, जिससे कि तुमको एक अप्रोक्सीमेट वो आ जाए, वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, इट फाइंड्स आउट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, देखो ये सब कुछ ही अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, कोई भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेथड फॉलो कर रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है। डिटेल में क्या कहते हैं, हम पूरा डिटेल में घुस जाएंगे, पूरा एकदम पाई पाई का हिसाब करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हमको कम से कम टाइम में एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो इसका इन एडवांटेज क्या है बोलो तो, इसका एडवांटेज डिटेल और अप्रोक्सीमेट में, मतलब एडवांटेज क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेट का डिटेल के ऊपर, फॉर डिटेल यू नीड, मैम डिटेल में बहुत टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम एग्जैक्टली लगेगा। डिटेल, फॉर डिटेल यू नीड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द सेंस लॉट ऑफ लेबर, तो जो एस्टिमेट कर रहा है इंजीनियर उसको भी अपना पूरा टाइम, ठीक है, एनर्जी, लेबर देना पड़ता है, ओके। एंड ऑल्सो कॉस्टली होता है, कॉस्ट क्यों, क्योंकि जो बना रहा है उसको तो कॉस्ट, पैसा तो तुमको देना पड़ेगा, राइट, उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। सो ये है
डिटेल का मतलब प्राइमरी और प्रिलिमिनरी क्या हो जाएगा, इसमें कम टाइम में होगा, कम खर्चा होगा और कम लेबर लगेगा, ठीक है। सो इसका एडवांटेज ये है प्रिलिमिनरी का। सो इट फाइंड्स आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एक्चुअल क्वान्टिटीज। मतलब सपोज हम लोग क्या करते हैं डिटेल में, एक अर्थवर्क एक्सकवेशन हो गया, फिर इसमें BFS हो गया, फिर तुम्हारा फुटिंग हो गया, ये सब अलग अलग कर कर करके हम लोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, राइट। तो ईच का डायमेंशन ले लेकर हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा डायमेंशन ले ही नहीं रहे हैं, एक्चुअल क्वान्टिटी कितना है वो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, बस हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस गिव्स अस द रफ आइडिया अबाउट द फंड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए या काम शुरू करने के लिए कितना फंड अवेलेबल है उसका रफ आइडिया देता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि रफ एस्टिमेट का एग्जांपल कैसे करते हैं। सपोज दिस इज अ कंप्लीटेड बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तुमने खत्म कर दिया, इसका तुमने पहले डिटेल एस्टिमेशन सब कुछ कर दिया, ठीक है, पहले करके अभी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन भी हो गया, ठीक है। इसका कॉस्ट हमको पता चल जाएगा, कितना कॉस्ट लगा ये वाला बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए, क्लियर है ना। अब इसमें सपोज तुम्हारा नंबर ऑफ बेड्स यू नो, ठीक है, इसमें तुम नंबर ऑफ बेड्स सपोज इस वाले में है 100 beds, ठीक है, इस वाले में 100 beds था, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर तुम्हारा सी है तो पर बेड का कॉस्ट कितना होगा, सी बाय हंड्रेड, ठीक है। तो जैसे हम लोग दे रहे हैं ये सी है, इसको डॉलर में हम लोग लिख दे रहे हैं, और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बेड्स, मतलब पर बेड का कॉस्ट कितना, रेट निकल आया हमको, राइट। तो पर बेड का तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है वो हमको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली निकल आया, ठीक है। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट दिस हॉस्पिटल, सिमिलर टाइप का ही लग रहा है, राइट, सिमिलर टाइप का ही है। अब ये वाला का एस्टिमेट तुमको करना है, बट रफली करना है, ठीक है, और कम टाइम में करना है। तो क्या करोगे अब, अब इसमें से कितना नंबर ऑफ बेड्स दोगे ये तो पता रहेगा ना, कितना नंबर ऑफ बेड्स के लिए हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज एन नंबर ऑफ बेड्स के लिए तुम एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कितना था, 100 था, ठीक है, 100 बेड्स था। अब यहाँ पे सपोज एक्स नंबर ऑफ बेड्स है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, 100 बेड्स बनाने के लिए तुमको सी लगा, ठीक है, तो 50 बेड्स बनाने के लिए, सॉरी एक्स नंबर ऑफ बेड्स बनाने के लिए कितना लगेगा मैम, XC/100, यस यस मैम, यहाँ पे तुम्हारा था 100, ठीक है, मतलब कितना लग रहा है, 100 बेड्स बनाने के लिए सी लग रहा है, ठीक है। तो वन बेड बनाने के लिए रेट आ गया हम लोग को 100 C/100, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स नंबर ऑफ बेड्स के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यही देखो पर बेड का कितना कॉस्ट है वो पता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितना है वो कर दिया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा ये वाले हॉस्पिटल का वो हमको निकल आया, ओके, ऐसे। बट ये एक्यूरेट नहीं है, ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसीलिए इसका अगर हमको रेट पता चल जाएगा तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेड्स को, तो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमको पता चल जाएगा, ओके। बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट, ये बार बार बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक है, ये जस्ट हमको जल्दी से जल्दी, जैसे तुमको बुलाया गया है कहीं पे, बोलेगा कि अप्रोक्सीमेट बजट निकालो जल्दी से, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो दूसरा क्या है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया, सेम ये भी रफ ही है, अब लेकिन यहाँ पे फंडा कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया क्या था, बिल्ट अप एरिया क्या पढ़े थे हम लोग, बोलो तो, बिल्ट अप एरिया किसको बोले थे मैम, जो कारपेट एरिया होगा उसमें जो एक्सटर्नल वॉल्स है वो ऐड हो जाएगा, यस। जैसे कारपेट एरिया क्या था, ये वाला सिर्फ था ना, कारपेट एरिया तो तुम्हारा सिर्फ ये था राइट, सिर्फ ये वाला था कारपेट एरिया, ठीक है। और इसमें एक्सटर्नल वॉल्स ऐड कर दोगे तो वी विल गेट द प्लिंथ एरिया, ओके। तो कारपेट एरिया थिकनेस ऑफ वॉल का बोलते हैं, हाउसिंग यूनिट, कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है, विल गिव यू द प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो ये प्लिंथ एरिया के ऊपर अब रफ एस्टिमेट करना है हमको, रफ, ठीक है। वहां पे तो नंबर ऑफ बेड से हम लोग किए, अब यहाँ पे एरिया के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो क्या करना है, पहले
क्लिंथ एरिया रेट निकालो, मतलब कि पर स्क्वायर मीटर ऑफ क्लिंथ एरिया का कितना खर्चा होगा, मतलब पर एक स्क्वायर मीटर एरिया बनाने के, क्लिंथ एरिया बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, हम अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बाय टोटल क्लिंथ एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग हुआ था, बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये वाला है सी है, और उसका क्लिंथ एरिया है सपोज ये वाला ए है। ठीक है, देन व्हाट इज द क्लिंथ एरिया रेट, मतलब कि एक मीटर स्क्वायर या एक स्क्वायर मीटर क्लिंथ एरिया के लिए खर्चा कितना होगा, सिंपल टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्लिंथ एरिया, इतना ये क्लियर है तो ये वाला। यस मैम। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तुमको पता है कितना है 2 लाख। ठीक है, प्लिंथ एरिया, वो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया हमको पता है कितना, टोटल प्लिंथ एरिया है सपोज 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया का रेट कितना हो जाएगा, 2 लाख बाई 50, तो रुपीज 4000 पर स्क्वायर मीटर। तो मतलब एक स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का तुम्हारा खर्चा होगा इतना। अब सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग कहीं और हो रहा है तो उसका प्लिंथ एरिया निकालो, तो सिंपली उसके साथ रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग। क्लियर, सिमिलर होना चाहिए, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ होता है ना, एक ही टाइप का बिल्डिंग एक साथ बना रहा है बहुत जगह पर। ठीक है, तो एक बिल्डिंग का तो प्लिंथ एरिया हम निकाल लिए, तो उसका रेट निकालोगे, अब उस वाले में जाके तुम्हारा प्लिंथ एरिया कितना है टोटल मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट ओके टोटल कॉस्ट ऑफ वो वाला दूसरा बिल्डिंग का कॉस्ट निकल आएगा। तो ये क्या हुआ है, दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ब्रिक वर्क हो सकता है, फ्लोरिंग है, बहुत कुछ है, राइट, उसमें नहीं गए हम लोग, अलग अलग आइटम्स ऑफ वर्क में नहीं गए, डायरेक्ट हम एरिया के हिसाब से रेट निकाले, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया एरिया के साथ, सो दैट वी कैन गेट द टोटल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्यूबिक कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होगा बोलो तो, ये तो एरिया के बेसिस में बन गया, इसमें क्या होना चाहिए, क्यूबिक कॉन्टेंट, क्यूबिक क्यूब मतलब क्या है, क्यूब मतलब मैम लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट भी होगा। यस, क्यूब का मतलब है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यस यस, क्यूब, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये है जैसे इस अ बिल्डिंग, ठीक है, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, सॉरी इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, इसका हाइट है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, क्यूबिक कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग इज द वॉल्यूम, मतलब प्लिंथ एरिया, यहाँ पे जो प्लिंथ एरिया है इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग कर दो। ठीक है, यू विल गेट द वॉल्यूम, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, दैट इज द क्यूबिक कंटेंट। ओके, तो प्लिंथ एरिया में तो आएगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट विल गिव यू द वॉल्यूम, वेयर हाइट कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इट इज टेकन फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर लेबर से लेकर एकदम रूफ सर्फेस तक, टॉप ऑफ द रूफ तक उसको हाइट ले रहे हैं। ओके, तो क्यूबिक कंटेंट वॉल्यूम मिल गया, अब वैसे क्यूबिक रेट निकालो, प्लिंथ एरिया रेट जैसे निकाला, यहाँ से भी क्यूबिक रेट निकालो, टोटल कॉस्ट पर मीटर क्यूब, वहां पे क्या था, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है, रुपीस पर मीटर स्क्वायर था, अब इसमें रुपीस पर मीटर क्यूब होगा, तो क्यूबिक रेट निकालो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो उस तरफ का वॉल्यूम से, जैसे हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है इतना, प्लिंथ एरिया इतना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इतना है, तो ये क्यूबिक कॉन्टेंट विल बी एरिया इंटू हाइट इतना क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक रेट कितना होगा, 2 लाख टोटल बिल्डिंग खर्चा मतलब बनाने के लिए 60, टोटल बिल्डिंग का वॉल्यूम है 600 और खर्चा है इतना, तो पर क्यूबिक मीटर का कितना होगा, दिस बाय दिस करके इतना आ रहा है। तो एक वॉल्यूम मतलब एक क्यूबिक कंटेंट का रेट है ये, ठीक है, तो वैसे सिमिलर बिल्डिंग वहां पे बन रहा है उसका भी प्लिंथ एरिया इंटू हाइट करके वॉल्यूम निकालो, उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीस में आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है दोनों, ये रफ है, एकदम रफली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार बोल रहे हैं ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सिमिलर जब हम लोग बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बना रहे हैं तो वहां पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब आते हैं डिटेल में, डिटेल में अब बोलो क्या होगा, डिटेल में क्या होना चाहिए, आर्जन हो गया यहाँ पे, क्या ए बोलो, चुप करो, डिटेल में अब क्या होगा, ऐसे पूरा सिर्फ एरिया के बेसिस में ले लिया, सिर्फ क्यों वॉल्यूम के बेसिस में ले लिया, ऐसा नहीं होगा, देखो
बिल्डिंग एस्टिमेट जब करते हो देर आर सेवरल आइटम्स ऑफ वर्क, बार बार बोल रहा है सेवरल आइटम्स ऑफ वर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, ब्रिक वर्क, कॉन्क्रीट वर्क, बहुत कुछ है। तो सबका अपना अपना रेट होता है, सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है, राइट, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। सो अगर हम सिर्फ एरिया का बेसिस में करेंगे या वॉल्यूम के बेसिस में एज अ होल करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इट इन द डिटेल, लेकिन कब करेंगे बोलो, कब करना चाहिए डिटेल एकदम। तुमको जैसे कॉन्ट्रैक्टर मतलब तुमको एक काम दिया है, बोला है कि ओनर ने बोला कि तुमको बोला है, क्लाइंट ने बोला इसका हमको रफ एक एस्टिमेट कर दो, इतना दिन के अंदर कर दो, तो तुम अगर डिटेल में स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा तुम्हारा टाइम, लग जाएगा तुम्हारा पैसा, लग जाएगा तुम्हारा एनर्जी, ठीक है। अब सब कुछ बना लिया, बना के तुम वो अपना एस्टिमेट लेकर गए ओनर के पास, क्लाइंट के पास, तो क्या बोलेगा क्लाइंट, अच्छा ये तो मेरे बजट के अंदर ही नहीं है, चलो हम करेंगे ही नहीं। तो क्या हो गया तुम्हारा, सब कुछ गया वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, टाइम तो गया ही, ठीक है। तो तब हम लोग को ये डिटेल में कब करना चाहिए, ये तब हम लोग को वो वाला अप्रोक्सीमेट करना चाहिए था, राइट, अप्रोक्सीमेटली हम कर लिए। तो डिटेल वाला तभी करेंगे जब अप्रूवल मिलेगा हम लोग को कि चलो ये जो अप्रूवल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है, जो रफली हम करके गए थे वो दिखाए क्लाइंट को, क्लाइंट ने बोला चलो ये बजट के अंदर है, अब इसका एस्टिमेट एस्टिमेशन डिटेल एस्टिमेशन स्टार्ट कर सकते हो। अप्रूवल जब मिलेगा तभी हम डिटेल में जाएंगे, ओके। सो स्टार्टिंग में डिटेल मत पकड़ लेना। So after getting administrative approval on the rough cost estimate, detail estimation are prepared. कैसे prepare करना? In detail करना है। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, हम बोले थे क्या, drawing होना चाहिए, rates होना चाहिए, specification होना चाहिए, ये तीनों तो होना ही चाहिए, तुम ये तीनों के बिना तुम start ही नहीं कर पाओगे, okay? Drawing, specification और खर्चा, each materials का cost कितना है, labor का wages कितना है, ये सब तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि it may vary, rates may vary from time to time and it may vary from place to place. तुम एक जगह का rate दूसरे जगह पे जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। एक जगह पे शायद 100 रुपीस है तुम्हारा एक दिन का, वहाँ पे जाके शायद 150 भी हो सकता है। अगर तुम अपना वाला ही लेकर चलोगे और एक्चुअली में उस जगह पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में उसका मतलब तुम्हारा रेट डबल है, क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिटेल जो फाइनल एस्टिमेट होगा उसमें कमी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत अपना रेट बहुत कम लेकर तुमने किया था बट एक्चुअली में रेट डबल था, ठीक है। तो ये सब होना जरूरी है डिटेल के लिए एंड इट विल गिव अस व्हाट, क्लियर आइडिया। रफ में तो रफली हम बोले थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर आइडिया अबाउट द टोटल फंड रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। डिटेल में हम बोले थे पिछले वाले लेक्चर में कि दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ओके, दो उसको सब डिवीजन में कर दिया, क्या है, एक है क्वांटिटी, पहले क्या एस्टिमेट निकालना है, पहले कितना मटेरियल लगेगा उसका एस्टिमेट करो, ठीक है, तब यूजिंग दैट एस्टिमेट एंड रेट्स वी कैन फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट को हम लोग जो शेड्यूल में करते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, पहले क्वांटिटी एस्टिमेट निकालो फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट निकालो, ओके। And detailed specifications and reports should also be attached. मतलब estimation के साथ ये सब report, daily report जो बोलते हैं ना हम लोग, वो report and specification दोनों attach करना चाहिए, okay? तो इसका क्या बोले थे, दो भाग है, quantity estimate, ये वाला तो तुम लोग देख ही चुके हो, ठीक है, कि कैसे बनाना है, ये schedule of rate बनाना है हम लोग को, sorry, ये schedule क्या है, table हमको formula, tabular form बनाना है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये दीज आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है, आइटम्स ऑफ वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट ध्यान में रखना है तभी ये सब फिल अप होगा। किसी किसी का शायद डेप्थ नहीं है, सिर्फ एरिया और एरिया से मेजरमेंट करते तो सिर्फ लेंथ और ब्रिथ काम में आएगा, ठीक है, या सिर्फ विथ और हाइट या लेंथ और हाइट काम में आएगा, तो ये ख्याल रखना है कि एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है, ओके, क्लियर। Now, दूसरा क्या था, abstract of estimate. अच्छा ये बोलो तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, table form कैसा था, tabular form कैसा था, बोलो tabular form कैसा था, क्या क्या चाहिए था बोलो,
यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता था, आइटम अमाउंट ऑफ रेट देना होगा, यस आइटम नंबर फर्स्ट में, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा क्वांटिटी, कितना तुम क्वांटिटी निकाले हो, ठीक है। फिर क्वांटिटी का यूनिट मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है, क्या है, ठीक है। फिर आएगा रेट, अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर रेट, यस रेट होगा। फिर रेट का यूनिट, देन फाइनली अमाउंट, ओके। तो फर्स्ट में आएगा तुम्हारा क्या, फर्स्ट में आएगा तुम्हारा सीरियल नंबर या आइटम नंबर, ठीक है, SN। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन, फिर आएगा तुम्हारा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी तुम दिए हो, कैलकुलेट किए हो, ठीक है, उसका यूनिट, क्वांटिटी का यूनिट। फिर आएगा रेट, ठीक है, फिर रेट का यूनिट, देन फाइनली अमाउंट, ओके। तो ऐसे हमको बनाना है ईच उसका। तो देखो यहाँ पे है, ठीक है, वैसा ही। फिर एक एग्जांपल है कैसे करना है हम लोगों का, ठीक है। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, अल्टीमेटली यहाँ पे फिर ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ओके। नाउ व्हाट इज एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, क्या लग रहा है इसमें क्या एस्टिमेट होगा, एनुअली एनुअल रिपेयर एस्टिमेट में क्या होगा बोलो तो। क्या होना चाहिए, नाम से तो पता चल रहा है, एक एस्टिमेट हमको बनाना है पर ईयर का, ठीक है। किस चीज का एस्टिमेट, रिपेयर वर्क का। और रिपेयर वर्क मतलब कहाँ पे आएगा, दो टाइप का रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो दो टाइप में क्या है, इन केस ऑफ बिल्डिंग, इन केस ऑफ रोड। एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या आता है तुम्हारा, व्हाइट वॉशिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग्स ऑफ डोर्स विंडोज, सीमेंट प्लास्टरिंग, रिपेयर ऑफ फ्लोर बोथ आउटसाइड इनसाइड, ठीक है। और रोड में क्या आ जाएगा, फिलिंग पैचेस, मेंटेनेंस, मतलब जो पॉट होल्स क्रिएट हो गया है वहाँ पे पैच, मतलब फिर से फिल करना है। तो इन सब में एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा एनुअली हमको रिपेयर करना पड़ सकता है। सपोज तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, या एक साल में, एक दिन में कंप्लीट होता है या एक दो महीने में कंप्लीट होता है, नहीं, मिनिमम एक ईयर टू ईयर्स बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो बोल रहे हैं लगता है, राइट। तो ईयरली जब तक खत्म नहीं होता है तब तक भी तो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ जाता है, राइट, थोड़ा बहुत तुम्हारा क्या बोलते हैं डिस्ट्रेसेस आ जाता है स्ट्रक्चर में, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। जब तक मैं तुम ओनर को दे देते हो तब तक उसको अच्छे से एकदम, जब ओनर को देते हो तो क्या होता है, एकदम पूरा अच्छे से बना के तुम एकदम फर्स्ट क्लास उसमें दोगे उसको, राइट, ओनर को दोगे, तो उसके लिए क्या है। और तुम्हारा प्रोजेक्ट तो एक दिन का काम नहीं है, राइट, मिनिमम तीन चार ईयर लगता है। तो एवरी ईयर देयर वी शुड डू सम रिपेयर वर्क, ठीक है। तो वो रिपेयर का खर्चा कितना होगा वो भी हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, ओके। जैसे एग्जांपल दे दिया, व्हाइट वॉशिंग, रिपेयर ऑफ फ्लोर्स एक्सेट्रा। और ये कहाँ पे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 to 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। ये जो भी एस्टिमेट आएगा, खर्चा आएगा कि इतना हो सकता है इतना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 to 2% ऑफ द जो भी इनिशियली कॉस्ट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे, ये 1.5 to 2% नहीं होना चाहिए, ओके। दैट इज कॉल्ड द एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। Now, revised estimate, ये कहाँ पे आएगा बोलो, revised estimate क्या लग रहा है? मैम, पूरा estimate हो जाने के बाद हम शुरू से एक बार फिर चेक करते हैं, उसको revised estimate बोलते हैं। अच्छा, क्यों करना पड़ता है? चेक क्यों करना पड़ता है? ठीक ही बोले हो, लेकिन क्यों करना पड़ता है? ताकि cost और कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, एक होता है कि सैंक्शन एस्टिमेट, ठीक है, मतलब कि इतना बजट के अंदर में है कि नहीं हमारा, ठीक है। अगर उससे हमारा एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कितना 5% एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 5% ज़्यादा या कम, ऐसा मतलब जनरली ज़्यादा, अगर 5% ज़्यादा अगर आएगा तो क्या हो जाएगा कि हमको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। एक होता है, सपोज तुमको एक प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, प्रॉब्लम करते करते तुमको सॉल्यूशन भी सपोज दिया गया है कि इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब तुम देख रहे हो प्रॉब्लम करते करते तुम्हारा आंसर विद इन 5% लिमिट में आ रहा है, ठीक है। 100 आंसर आना चाहिए था, 100 तुम्हारा 104 आ गया,
चलो ठीक है ठीक है, मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है मेरा ठीक ठाक है, इसके अंदर में ही है ठीक है। तो अगर तुम्हारा आंसर 100 क्या एक्चुअली में आना चाहिए था 100, लेकिन आंसर आ रहा है तुम्हारा 110, तो क्या करोगे? बाप रे इतना बड़ा डिफरेंस आ गया मेरे आंसर में, तो क्या करोगे? उसको रिवीजन करोगे ठीक है। अब रिवीजन करोगे तो देखोगे कि कहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ, मतलब कहाँ पे तुमने गलती किया। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ड्यू टू एरर। ओके, अब एरर कहाँ पे हो रहा है? एरर होता है कभी, मतलब ये छोटा मोटा एरर भी हो सकता है। ये जो रेट हम बोल रहे थे ना कि एक जगह का 100 होना चाहिए था रेट, लेकिन तुमने वहां पे सपोज दे दिया 200 ठीक है। 100 होना चाहिए था, 100 के जगह पर तुमने 200 लिख दिया वहां पे। अब कैलकुलेशन तो 200 के हिसाब से करते करते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एस्टिमेट आ जाएगा ठीक है। या हो सकता है ड्यू टू द रेट बींग फाउंड इन सफिशियंट, ओके, एंड ड्यू टू सम अदर रीजन, कुछ कुछ होता है मैनुअल एरर में से, एरर से भी हो सकता है ओके तब तुमको ये रिवीजन करना पड़ता है ठीक है। एक्चुअली में इतना एस्टिमेशन होना चाहिए था, लेकिन आ रहा है कितना, इससे कहीं ज्यादा आ रहा है ठीक है, विच इज एक्सीडिंग 5%, देन इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर रिवीजन। फिर उसके बाद नया जो एस्टिमेट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसको बोलते हैं, फ्रेश जो एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। ओके, दिस एस्टिमेट मे बी ड्यू टू सम इनसफिशियंट डाटा, जैसे कि रेट शेड्यूल ऑफ रेट में कोई रेट नहीं था, तुमको नहीं पता था, तुमने अंदाज में डाल दिया और वो रेट आ गया डबल। एक्चुअल जो रेट था, रेट मतलब क्या है कि एक बैग सीमेंट का कॉस्ट कितना है ठीक है, इतना 10 क्यूबिक मीटर, या एक तुम्हारा ब्रिक वर्क का ब्रिक का कितना है कॉस्ट कितना है ठीक है, इतना नंबर ऑफ ब्रिक का कॉस्ट कितना है, उसमें गंडागोल हो सकता है, उसमें मतलब हुई चुक हो सकता है ठीक है। तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रेट देके तुम्हारा एस्टिमेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, विच इज एक्सीडिंग 5%, देन यू नीड टू गो फॉर, यू नीड टू डू फ्रेशली, फिर से एस्टिमेट करना चाहिए, फिर से वो एक्यूरेट डाटा पुट करके, देन दैट एस्टिमेट इज कॉल्ड द रिवाइज एस्टिमेट। ओके, तो लास्ट में हमको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि क्यों भूल चुक हुआ, व्हाट इज द रीजन, कितना इंक्रीज क्यों हुआ ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है। और एक रीजन हो सकता है कि सपोज तुमने बनाया था एस्टिमेट कब का ठीक है, एक महीने पहले बनाया था, जस्ट जीएसटी स्टार्ट हो गया, अब वो वाला रेट क्या हो गया, चेंज हो गया ठीक है, जीएसटी की वजह से और चेंज हो रहा है, देन क्या हो जाएगा, जो रेट पकड़ के हम लोग एस्टिमेट किए थे इतना दिन से, फिर से नया एस्टिमेट पकड़ के करना पड़ेगा, नया रेट पकड़ के हमको करना पड़ेगा, तब रिविजन चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? तो लास्ट आएगा तुम्हारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं बोलो, फटाफट बोलो तो जल्दी से, सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? मैम अगर फेल हो जाता है तो फिर एग्जाम देना पड़ता है, हमको तो इतना ही मालूम है, वो इससे सप्लीमेंट्री जानते हैं। हां वो भी है, सप्लीमेंट्री मतलब की है एडिशनल राइट, मतलब एक्स्ट्रा तुमको देना पड़ रहा है एग्जाम राइट। और एक एग्जांपल सप्लीमेंट्री मेडिसिन जो बोलते हैं ना, हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं तो सप्लीमेंट्री मेडिसिन बोल के, क्यों? इससे हम जो लोग जिम करते खाते हैं, हाँ, हम लोग का जो सपोर्टिव जो सिस्टम तो ठीक है चल रहा है, लेकिन उसको और सपोर्ट देने के लिए हम एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं राइट, विटामिन का एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं, मतलब कि तुम्हारा एक काम हो रहा है उस काम को, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, अब उस कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए सपोज हमको छोटा मोटा और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है, जैसे शेल्टर, जो तुम्हारा जो लेबर वेबर है उनके लिए शेल्टर बना दे रहे हम ठीक है, तो वो भी एक एस्टिमेशन ही तो है, उसका भी तो खर्चा है, वो तो फ्री में नहीं होगा, तो दैट वर्क इज कंसिडर्ड एज द एडिशनल और द सप्लीमेंट्री वर्क ठीक है। तो वो पहले हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था, वो बाद में कंस्ट्रक्शन में हुआ, तुम्हारा प्लान में तो ये लेबर के लिए तो घर जो है वो तो नहीं दिया रहेगा, जो ओनर का घर है वही रहेगा राइट, तो लेबर के लिए घर एक्स्ट्रा अगर देना पड़ रहा है तो उसका भी तो खर्चा होगा, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा राइट, एडिशनल वर्क है, तो दैट वर्क इज दैट एस्टिमेट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री। मतलब वो घर क्यों बना रहे, जिससे लेबर वहीं पर रुके, उन लोगों को बार बार मतलब अप डाउन करना ना पड़े, जिससे काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, रात को भी करना पड़े उन लोगों को काम ठीक है, मतलब सप्लीमेंट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए काम ठीक है, सो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो दिस इज द फ्रेश डिटेल एस्टिमेट, ये नया वाला देखो, ये पहले नहीं था प्लान में हम लोग का, इसका प्लान नहीं था, कुछ नहीं था इसका ठीक है,
ना रेट था ना स्पेशल कुछ नहीं था हम लोग का, ये अलग से हम लोगों ने बनाया। सो दिस इज अ फ्रेश डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल से बनाया ठीक है, इन एडिशनल टू द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट, मतलब घर जो सैंक्शन, घर का प्लान जो सैंक्शन किया था उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जो प्लान है उसका भी हम लोग जो एस्टिमेट बना रहे हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ओके, विच इज नेसेसरी, ये अननेसेसरी नहीं है, ये वाला नेसेसरी है इसलिए हम बनाना पड़ रहा ठीक है। सो विच आर डीम नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ये पहले हमको नहीं पता था राइट, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द प्रोग्रेस, हमको चाहिए घर बनाने से जल्दी जल्दी काम खत्म होगा ठीक है, क्योंकि वो लोग रात में भी काम करेंगे वहां पर रहकर। ओके, तो और इसके लिए क्या चाहिए, द एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है क्या बोला, एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट ठीक है, खर्चा का एस्टीमेट। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शुड शो द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एज वेल एज सप्लीमेंट्री, जो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसका भी खर्चा दिखाना है और इसका भी खर्चा दिखाना है। ओके, so this is called the supplementary estimate, is it clear, itna type of estimate hai, and this will be the next lecture. Okay, to mota moti yahi hai tumhara first chapter theoretically theek hai, to next chapter mein hum log padhenge tumhara items of works and units of measurement, then we will go to solve some problem. Okay, theek hai theek hai, chalo then, thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome.